जय हिंद दोस्तों। सीएफटी यानी कि घन फीट, किसी भी वस्तु का सीएफटी में हिसाब कैसे करते हैं, यानी कि किसी भी वस्तु का सीएफटी में मूल्य निर्धारित कैसे करते हैं, उसका दाम कैसे निकालते हैं, इसके बारे में हम विधवत से इस वीडियो में समझेंगे। लास्ट तक बने रहिए इस वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पर अगर किसी भी ट्रक या ट्राली में गिट्टी बालू मोरंग मंगवाते हैं तो उसको हम कैसे उसका मूल्य निर्धारित करते हैं, उसका दाम हम कैसे जान पाएंगे, इसके बारे में हम विशेष रूप से समझेंगे। इसमें ये नहीं देखेंगे दोस्तों कि कैसे हम सीएफटी को निकालते हैं, ये एक अलग का टॉपिक है, बल्कि उसका दाम कैसे निकालते हैं, कैसे दाम जानेंगे कि एक ट्राली का या 10 ट्राली का या फिर 100 फीट का या 10 घन फीट का कितना होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। दोस्तों जो लकड़ी होती है उसको भी हम घन फीट में मापते हैं, ऐसा क्यों करते हैं इसके बारे में भी समझेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा सीएफटी का ओवरव्यू दे दें कि सीएफटी क्या होता है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, और दूसरी बात किन किन चीज़ों को हम सीएफटी में मापते हैं, सीएफटी में ही क्यों मापते हैं। क्या आप प्लाट कभी, यानी कि प्लाट को क्या आप सीएफटी में आप मापते हैं, अगर नहीं मापते हैं तो ऐसा क्यों, इसी के बारे में हम समझेंगे। तो दोस्तों जीरो से हीरो बनने के सेशन में आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एनजी एग्जाम क्रैकर पर स्वागत करता हूं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि सीएफटी क्या होता है। सीएफटी जिसको हम इंग्लिश में क्यूबिक फीट कहते हैं, क्या कहते हैं, क्यूबिक फीट, यानी कि इसे हिंदी में हम घन फीट कहते हैं। घन फीट कहते हैं तो ये क्या होता है, देखिए अगर किसी भी चीज में एल बी एच होती है, यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, आप जब भी प्लाट को उसकी प्लाट को जब मापते हैं नापते हैं तो क्या करते हैं कि उसमें लंबाई और चौड़ाई होते हैं तो उसका एरिया यानी कि क्षेत्रफल निकालते हैं। लेकिन जिनमें 3 चीज़ें होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, उसको हम क्या कहते हैं, उसके अंदर जो आप उसका मापन करते हैं तो उसे हम वॉल्यूम यानी कि आयतन कहते हैं, उसका उसे क्यूबिक फीट भी जिसको हम मापते हैं क्यूबिक फीट में या किसी भी, तो वो क्यूबिक में होता है यानी घन में आएगा, चाहे उसको घन इंच मापो, घन फीट मापो या जिसमें भी मापना चाहते हो माप सकते हो घन मीटर में भी, तो वो एक अलग की बात होगी, लेकिन उसके पहले घन लगा होगा यानी क्यूबिक लगा होगा। तो अगर 3 चीज़ें हैं एल बी एच, तो उसको हम जैसे आप लकड़ी देखते हैं तो उसमें लंबाई होती है, चौड़ाई यानी कि मोटाई होती है और ऊंचाई भी होती है, यानी कि जिसमें 3 चीज़ें आ जाएंगी उसे हम क्या उसमें क्या मापेंगे, उसका क्यूबिक मापेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं ट्राली देखते हैं तो उसमें लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, ऊंचाई भी होती है, इसलिए उसको हम उसमें घन फीट लगा देते हैं, घन इंच लगा देते हैं, घन मीटर लगा देते हैं, तो इस प्रकार से होता है। तो दोस्तों अब आपने समझ लिया कि क्यूबिक फीट क्या होता है, इसको इंग्लिश में क्यूबिक फीट, हिंदी में घन फीट कहते हैं, नॉर्मली इसे फीट भी कहते हैं। अब आइए समझते हैं कि कैसे हम मूल्य को निर्धारित करते हैं। तो अब आपने यहाँ पर देख लिया होगा कि जो प्लाट होगा उसमें 2 ही चीज होती है, इसलिए इसको घन इंच में नहीं माप सकते हैं, इसका एरिया या क्षेत्रफल निकालेंगे, जबकि जिनमें 3 चीजें होंगी उसमें आयतन या फिर जिसको वॉल्यूम कहते हैं वो निकालेंगे। आइए अब आप समझते हैं। सबसे पहले क्या होगा कि किसी भी चीज को जिसका हम मूल्य निर्धारित करना होता है उसमें 2 चीजें आपको जानना बहुत ही जरूरी है। 2 चीजें वो क्या है, मान लीजिए कि आप शुगर खरीदने जाते हैं यानी कि चीनी यानी शक्कर किसी भी दुकान पर, तो दुकान वाला आपको जाना है वहाँ पर 100 ग्राम 200 ग्राम 1 किलो 2 किलो आप खरीद सकते हैं, लेकिन आप समझिए कि वो जो लाता है वो कहाँ से लाता है, यानी कि उसके मूल्य को कैसे निर्धारित किया जाता है, कैसे उसको खरीदा जाता है। देखिए यहाँ पर क्या होगा कि मान लीजिए कि जो 50 kg की बोरी होती है, यानी कि 50 kg की, 100 kg की जो भी होती है, 50 kg की हमने मान लिया कि शुगर की जो बोरी होती है, और मान लिया कि शुगर जो है 2000 रुपये किलो है, कितने में 2000 रुपये किलो है। तो सबसे पहले आप ये पता करें कि 1 किलो, चूंकि आप छोटे व्यापारी हैं 1 किलो 100 ग्राम 200 ग्राम बेचेंगे, तो सबसे पहले आप ये पता करें कि एक नियम यानी कि जो एक नियम होता है ना कि एक का पता करें आप, तो वहां पर 1 kg का आप जब पता करेंगे तो 2000 में है, तो चूंकि 50 किलो है इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर 5 × 24 यानी कि 40 रुपये आ गया। 1 किलो शुगर का दाम कितना आ गया, 40 रुपये आ गया। अब 40 रुपये आ गया तो अब आपको पता है कि जो आप लेकर आए हैं 40 रुपये में पाए हैं, तो इसको 40 में या 40 से कम में तो बेचेंगे नहीं, उससे ऊपर बेचेंगे, क्योंकि इसमें किराया भी होगा
अब यहाँ पर किराया जोड़कर जितने में बनेगा, आप यहाँ पर क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे कि आपको कितने परसेंट इसमें लाभ लेना है, 10%, 20%, 40%, 25%। तो आप मूल घर करके इसमें जोड़ देंगे 45 का, 50 का, 46 का, जितने भी बेचना है वो आप इसका दाम बताएंगे। अब आपसे पूछा जाए कि 100 ग्राम आप खरीदने पहुंच गए, 100 ग्राम का, तो आप क्या करेंगे, 1 किलो का पता है 40, तो वहां पर आप 100 ग्राम का 10 भाग कर देंगे और 100 ग्राम का कीमत आप ले लेंगे और इस प्रकार से बेच देंगे। तो ये बिक्री का नियम होता है। चूंकि ये आप बहुत आसानी से इसको समझते हैं, इसलिए समझते हैं क्योंकि बचपन से आप इसको देखते खरीदते आए हैं, इसलिए ये आप आसानी से, ठीक वही प्रोसेस इसमें भी होता है। अब आइए हम मेन मुद्दे पर चलते हैं कि कैसे घन फीट वाला हिसाब करते हैं, इसके बारे में समझते हैं। मान लीजिए कि आप एक ट्राली है और एक ट्राली है उसमें मोरंग मंगवाते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि ट्राली जो होती है उसका घन फीट कितना होता है। तो आपको अपने लोकल एरिया का ये पता करना है कि उस ट्राली जो चल रही लोकल एरिया में, कि उस ट्राली का घन फीट कितना चल रहा है। तो हमने मान लिया कि हमारे यहाँ जो चलता है वो 135 घन फीट की एक ट्राली होती है, यानी कि सीएफटी उसकी होती है 135 घन फीट की। अब आपने पता कर लिया कि 135 घन फीट की होती है, अब आप ये पता करेंगे, दूसरा पॉइंट क्या पता करेंगे कि कीमत उसकी उस समय कितना चल रहा है बाजार में। तो मान लीजिए कि मार्केट में चल रहा है 10,000 रुपये की एक ट्राली, 135 घन फीट वाली ट्राली 10,000 रुपये की बिक रही है। अब आप क्या करेंगे कि एक घन फीट का आप निकाल लेंगे, तो चूंकि 10,000 में है और एक घन फीट का निकालने के लिए 135 से भाग किया। अब हमने मान लिया, देखिए भाग करके आप देख लेंगे जो भी है, अब हमने मान लिया कि 60 रुपये आ गया, कितना आ गया 60 रुपये, यानी कि एक घन फीट की कीमत कितनी आई 60 आई। अब आप वहां पर जब खरीदने जाएंगे तो वो क्या करेंगे कि 135 घन फीट वाली जो ट्राली होगी वो आपको कीमत तो बता दिया कि 10,000 में 135 घन फीट की वो ट्राली होगी, आप पूछेंगे तब बताएंगे, नहीं तो बताते भी नहीं। तो ये आपको पता करना है, पता होना चाहिए। अब वो क्या करेंगे कि उनके पास ट्राली कई तरीके से होती है, 125 घन फीट वाली ट्राली आपके यहाँ भेज दिया, अब भेज दिया आपके यहाँ उतर गई। अब अगर आप जानकार हैं तो आप उसके नाप लेंगे और पता कर लेंगे, ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कैसे नापते हैं। अगर ये नहीं पता है तो हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस वीडियो को देखकर आप आसानी से किसी भी ट्रक ट्राली में कैसे मापते हैं उसका आयतन वो आप जान सकते हैं। तो 125 घन फीट वाली आपको दे दिया। अब यहाँ पर अब आपने माप लिया, तो आप क्या करेंगे कि जब आपने देखा कि 10,000 में 135 घन फीट वाली के 60 रुपये एक घन फीट का होता है, तो आप क्या करेंगे कि 125 से 60 को गुणा करके दे देंगे। अब यहाँ पर अगर आप जानकार नहीं, पता नहीं, तो आपको क्या करेंगे कि 135 घन फीट का पूरा दाम ले लेंगे, यानी कि आपको 10 घन फीट का घाटा हुआ, चूंकि 125 ही घन फीट का माल आपको दिया, 135 घन फीट का दाम ले लिया। तो ये आपको इस प्रकार से घपलेबाजी होती, तो कितना घपलाबाजी हुआ, तो 10 रुपये एक घन फीट का है, तो चूंकि आपको 10 घन फीट, देखिए 60 एक घन फीट का 60 है, तो 10 घन फीट का घपलाबाजी हुआ, तो 600 रुपये का माल घपलाबाजी हो गया। तो ठीक, ऐसे अगर आप 10 ट्राली लेते हैं तो सोचिए कि 6,000 रुपये का आपको घाटा हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बहुत ही आसानी के साथ में आपको इसका मान निकाल लेना। अब आपको हम बता दें क्या करना है। सबसे पहले आपको अपने लोकल एरिया का जो ट्राली होगी या ट्रक होगी उसका आपको घन फीट पता करना है कि वो कितने घन फीट उसमें आता है। अब आपने ये जान लिया कि इतने घन फीट होता है, अब आप ये जानेंगे कि उस समय उस एरिया में कितना एक ट्राली का कितना कीमत चल रहा है या एक ट्रक का कितना कीमत चल रहा है, तो उस कीमत को जान लेंगे, उससे डिवाइड कर देंगे, एक घन फीट का आ जाएगा। अब जितना माल आप यहाँ गिराएंगे, आप ट्राली को माप लेंगे या ट्रक को माप लेंगे, आप उसी प्रकार से गुणा करके उस हिसाब से हिसाब करके आप उसके मूल्य को चुका सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ट्रक ट्राली वाला आपसे प्रश्न भी नहीं करेगा, अगर आपको नहीं पता है तो आपको इस प्रकार से घाटा होता रहेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि इस समझ में आया होगा। ठीक इसी प्रकार से बालू हो या मोरंग हो या गिट्टी हो या फिर लकड़ी हो, लकड़ी का जो घन फीट आप मापते हैं, गोल लकड़ी होती है, तो उसका भी हम लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो करके इस प्रकार से जो गोलाई होती है उसमें ऊंचाई नहीं, ऊंचाई होती है लेकिन गोलाई होती है, चौड़ाई नहीं गोलाई होती, तो इस प्रकार से उसका भी घन फीट निकाल के हम माप सकते हैं। उसका भी हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, अगर आप नहीं जानते हैं निकालना तो देख सकते हैं और उसकी भी कीमत को निर्धारित कर सकते हैं, यानी कि उसका एक्यूरेट वैल्यू निकाल सकते हैं।
तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको समझ में आई है या आपके डाउट क्लियर हुए तो जरूर कमेंट के माध्यम से बताइए। अगर फिर भी कोई डाउट है तो उस प्रश्न को कमेंट के माध्यम से कर सकते हैं, हम उन डाउट्स को दूर करने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। दोस्तों धन्यवाद।